ओम शांति। समुद्र में बहुत भारी तूफान, बहुत 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 भयंकर तूफान था और उसमें सभी जहाज डगमगाने लगे। जहां से तूफान उठ रहा था सभी किनारे की तरफ दौड़ने लगे अपना जहाज लेकर। अभी सभी कैप्टन इसी बात से ही ट्रेंड थे कि बहुत तेज अपने समुद्री जहाज की स्पीड बढ़ा ली जाए। इतने 50 जहाज जहाँ चल रहे थे सब किनारे की तरफ तेज गति से दौड़ रहे थे। ऐसे में एक जहाज के कैप्टन ने उसका मुंह मोड़ा और वो उस दिशा में चल पड़ा जहाँ से तूफान उठ रहा था। उस दिशा में उसने स्पीड बढ़ा ली और वह उसी दिशा में चलता रहा। अगले दिन खबर आई कि जहाँ 50 समुद्री जहाज फ्लोट कर रहे थे 49 बहुत बुरी तरह डैमेज हो गए हैं। सिर्फ एक जहाज बचा है। उसका इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया कि आपने इतनी कुशलता से अपने जहाज को कैसे बचा लिया। उसने कहा कि 22 वर्ष पहले मैंने ये ट्रेनिंग ली थी। जब मैं इस नेवी में शामिल हुआ था तो तब मैंने ये ट्रेनिंग ली थी कि जहाँ से तूफान उठता है, आई ऑफ द स्टॉर्म, उस तरफ उसकी गति बहुत कम होती है और जितना वो तूफान आगे की तरफ बढ़ता है वहाँ वो बहुत बहुत फास्ट होता है, तो वहाँ बचने की उम्मीद कम होती है। लेकिन क्योंकि पीछे से तूफान आता दिखाई दे रहा है, स्टॉर्म दिखाई दे रहा है, तो लगता है आम आदमी को कि आगे ही भागना चाहिए, उससे आगे दौड़ना चाहिए, जबकि जहाँ से वो उठा साइक्लोन वहाँ उसकी गति बहुत कम होती है। तो 22 वर्ष पहले की ली हुई ट्रेनिंग काम आई और मैं आई ऑफ द स्टॉर्म की तरफ चल पड़ा। आज के सिनेरियो में इसे देखें कि जब हमें सबको ये कहा गया है कि भीतर की तरफ आ जाओ, लॉकडाउन हो जाओ, तो कितना मुश्किल लग रहा था। लोग सोच रहे थे कि जहाँ शायद कोई बीमारी नहीं है उस तरफ दौड़ो और तेज दौड़ो, लेकिन रिजल्ट क्या है, विधि क्या है, आई ऑफ द स्टॉर्म की तरफ जाना, बाहर भागने की बजाय भीतर की तरफ जाना, भीतर शांति है। आप देखते हैं सागर की ऊपर की लहरों में बहुत हलचल हलचल होती है सागर के तल पर, और मछलियां ही मिलती है। जितना सागर के गहरे में जाते हैं सागर शांत होता है और हीरे मोती मिलते हैं। तो अपने भीतर जाकर देखें, शांति का सागर स्वयं अपनी शांति की किरणें अंदर बहुत भरपूर दे रहा है। आप एक बार अंतर्मुखी हो जाएंगे, मुख अंदर की तरफ कर लेंगे तो बहुत सी समस्याओं का समाधान अंदर ही मिलेगा। आज से ही ट्राई करें। ओम शांति।